शनिवार को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे। आपको बता दें कि गोरखपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम गुरु गोरक्षनाथ का पूजन अर्चन किया। उसके बाद मंदिर में ही स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। रविवार को जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद को सुनेंगे। उसके बाद सुबह 9:30 बजे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तत्पश्चात सीएम योगी लखनऊ के लिए प्रस्थान कर वहां दोपहर 12:30 बजे आगामी विधानसभा सत्र के संचालन के संबंध में सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। फिर लखनऊ से गोरखपुर वापस आकर अपराह्न 3 बजे रीजनल स्टेडियम में आयोजित महंत अवैधनाथ स्मृति अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पुरस्कार वितरण कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर अपराह्न 4 बजे महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आयोजित विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के बाद शाम 5 बजे गीता प्रेस में आयोजित गीता जयंती समारोह को संबोधित करेंगे।